लोगों ने आज इसको प्लाजो को बनाना है। प्लाजो बनाने के लिए जैसे ट्राउजर होता है वैसे ही हमने कपड़ा ले लेना है। कपड़ा जो एक शलवार का होता है, ढाई गज कपड़ा लेकर हमने उसको प्लाजो की तरह इसको कटिंग करने के लिए पहले डबल प्रेस करके बिल्कुल डबल प्रेस कर लें, फिर उसको डबल फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद 40 इंच इसकी लंबाई ली जाएगी, जो कि सिलाई होके 38 यानी कि 38 इंच हो जाएगी। 2 इंच नेफे का मोड़ने के लिए हो जाएगा और बाकी तैयार 38 इंच हो जाएगी। इसी तरह 40 इंच का हम निशान थोड़े से वक्फे पर और लगा लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है या कटिंग है वो बिल्कुल सीधी आए। अब इसके बाद 2 इंच नीचे से पाइंचे के लिए रख लेंगे ताकि अंदर की तरफ ये फोल्ड किया जा सके। 40 इंच कुल लंबाई ले ली, 2 इंच पाइंचे के लिए ले लिया फोल्डिंग के लिए। म्यानी के लिए म्यानी का साइज ले लेंगे हम 18 इंच। 18 इंच इसलिए लेंगे, 2 इंच म्यानी का पाइंचे का फोल्डिंग के लिए हो जाएगा, 1 इंच नीचे से सिलाई के लिए मार्जिन हो जाएगा और तैयार म्यानी हमारी 15 इंच हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद 2 इंच हमने इसको अंदर की तरफ लेना है शेप के लिए। इसकी शेप के लिए यहाँ से इसको शेप करने के लिए थोड़ी सी सीधा करेंगे, यहाँ से करते हुए हम ये इसकी म्यानी में ये शेप ले जाएंगे। इसके बाद प्लाजो की पाइंचे के लिए बाद लोग 10 इंच का पहनते हैं, बाद लोग 12 इंच का पहनते हैं और इससे बड़ा बड़ा भी पहना जाता है, लेकिन ये हम 12 इंच का प्लाजो इसके नीचे से रखेंगे। ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए 10 इंच का हम ये पीली सीधी लाइन लगा देंगे। लगाने के बाद हम स्केल की मदद से या हाथ की मदद से फ्री हैंड इसकी शेप कर देंगे। बाजार से स्केल भी मिल जाते हैं टेलरिंग के लिए और फ्री हैंड भी हो जाता है। यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से शेप हो जाएगी क्योंकि ये थाइस का होता है और ये जितना मर्जी खुला रखा जा सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये इसको फोल्डिंग के लिए क्या किया था, 40 इंच पहले इसकी कुल लंबाई ले ली थी जो कि 2 इंच नेफा मुड़ के 38 इंच हो जाना था। 2 इंच अंदर फोल्डिंग के लिए लिया था और म्यानी के लिए 2 इंच अंदर रख के शेप कर दी थी और ये इसकी शेप। अब सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मैंने सिलाई का मार्जिन रख देना है, 1-1 इंच तकरीबन सिलाई का मार्जिन रखना है इसमें से और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको सिलाई का मार्जिन करके अब आपने सीजर की मदद से इसकी कटिंग करनी है। हमारे प्लाजो की कटिंग बिल्कुल रेडी है।